हेलो, मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ। आपके रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, बताए गए नंबर पर ट्रांसफर कर दो। जैसे ही कोई पैसे ट्रांसफर करता तो उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता। गुरुग्राम की साइबर क्राइम यूनिट ने ऐसे 4 ठगों को प्रतिबंधित ऐप के माध्यम से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सर, 4 साइबर ठग पकड़े हैं, कहां से पकड़े हैं, क्या इनका रोल है और अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? ये 6 अप्रैल 2024 को अपने पुलिस के गुप्त सूत्रों से और प्रतिबिंब एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास एक सूचना आई थी कि सेक्टर 56 में कुछ व्यक्ति लोगों से जानकार बनके ठगी करते थे। इस पर इंस्पेक्टर SHO सवित कुमार की टीम गठित की गई और साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन ने वहां पर रेड की, तो वहां पर हमने 4 लोगों को अभी हिरासत में लिया और उनको अरेस्ट किया है। और ये सभी लोगों से जानकार बनकर, उनके परिचित बनकर, उनसे कभी उनके जानकार का एक्सीडेंट के तौर पर या किसी विभिन्न कार्यों से उनसे पैसे लेते थे और ऐसे इन्होंने देश भर में कई लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। सर, क्या इनकी पहचान हुई है और अब तक कितनी वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं? इनकी पहचान अभी विकेश सिंह जिला डीग भरतपुर, राम भरोसे जिला भरतपुर, जगमोहन जिला डीग भरतपुर, शुभम जिला डीग भरतपुर के नाम से हुई है और ये अब तक 100 से ज़्यादा वारदातों में इनकी ये शामिल हो चुके हैं। सर, गुरुग्राम क्या करने आए थे ये सभी लोग? ये गुरुग्राम यहाँ पर जो अपना भरतपुर में जो है साइबर ठगी का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन गुड़गांव में भी शुरू करने आ रहे थे और पिछले 2 दिन से यहाँ पर स्थित होकर ये ठगी की वारदात कर रहे थे। तो साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन की टीम ने तत्परता से काम करते हुए इन 4 लोगों को अरेस्ट किया। सर, गुरुग्राम में भी इनके कोई साथी हैं या फिर केवल यही 4 लोग राजस्थान के हैं इस गिरोह में? इन व्यक्तियों ने जो आगे की लीड दी है, जो इसमें मुख्य जो साइबर फ्रॉडस्टर है उसकी लीड दी है, वो डी भरतपुर से उसका नाता है और इसमें हम साइबर पुलिस ईस्ट की टीम की एक रेडिंग टीम तैयार करके वहाँ पर रेड जल्दी करेंगे। आपने बताया सर, 100 से ज़्यादा वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं, कितने पैसे लोगों से ठग चुके हैं, कुछ जानकारी मिल पाई? इसकी अभी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद दी जाएगी, लेकिन जैसा इन्होंने बताया है तो ये प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार रुपये ऐसे फ्रॉड से करके अलग अलग लोगों से जानकार बनके, उनका परिचित बनकर उनसे ठगी करते हैं।